हेलो दोस्तों, पनीर की रेसिपी तो आपने कई बार कई तरीकों से बनाया होगा, बट जो मैं आज ये रेसिपी लेकर आई हूँ, बिना लहसुन प्याज बिना काजू, फिर भी टेक्सचर बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है, बहुत इजीली से बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए फिर रेसिपी को आज देख लेते हैं, और इसमें मैंने एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक मसाला बनाना है। तो मैंने कटोरी में लिया है 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के लिया है धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, साथ में डाला है कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, नमक डालेंगे और इसे हम घोल लेंगे। इस तरह से मसाले डालने से एक तो हमारा मसाला जलता नहीं है, दूसरा कि मसाला हमारा बहुत अच्छे से फूल जाता है, जिससे सब्जी में टेस्ट काफ़ी अच्छे से इन्हेंस होता है। तो चलिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब हम इसे साइड में करते हैं और फटाफट से गैस पर चढ़ा देते हैं कढ़ाई सब्जी बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने गैस में रखा है कढ़ाई, इसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल, गर्म हो जाने देंगे, फिर डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 तेज़पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची। तो मैंने यहाँ पे सारा डाल दिया है, थोड़ा सा इसे हम अच्छे से भूनने देते हैं। तो ये हमारा भुन गया है खड़े मसाले, तो अब मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ जो हमने मसाला का घोल तैयार करके रखा था वो। इसे मिक्स करते हैं और मसालों को हमें अच्छे से ही भूनना है। तो इसी बीच में हम यहाँ पर बनाएंगे 1 टमाटर, 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा का पेस्ट। तो देखिए मसाला यहाँ पर हमारा भुन गया है अच्छे से, तो मैंने पेस्ट भी बनाकर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर ये पेस्ट मैं सारा डाल दे रही हूँ और इसे मिक्स करेंगे, और इसे हमें अच्छे से ही भूनना है जब तक कि इससे ऑयल ना सेपरेट होने लगे, टमाटर और मसाला हमारा अच्छे से भून ना जाए तब तक। तो चलिए इसके लिए हम इसे कवर कर देते हैं, 2 मिनट पकने देते हैं, बीच बीच में इसे हमें चेक कर लेना है। तो यहाँ पे चलिए ढक्कन हटाकर मैं इसे एक बार चेक कर ले रही हूँ, मिक्स कर देते हैं। और इसी स्टेज पर मैं डाल रही हूँ ये सीक्रेट इन्ग्रीडियंट। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच भुना हुआ बेसन। आपके पास अगर भुना हुआ बेसन अवेलेबल नहीं हो तो आप जब ऑयल में तड़का डालें ना, उसी समय आप 1 चम्मच बेसन डालकर उसे बेसन को भून लीजिएगा, उसके बाद आप उसमें मसाला का घोल डालिएगा, उससे भी हमारा ये सब्जी काफ़ी टेस्टी बनेगा। तो मेरे पास भुना हुआ बेसन अवेलेबल था, इसीलिए मैं इसे इस स्टेज पर डाली थी। तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और बेसन को भी हम थोड़े देरी के लिए भून लेते हैं। तो देखिए ये मसाला हमारा प्रॉपर बहुत ही अच्छे से भूनकर तैयार हो गया है, ऑयल सेपरेट होने लगा है। तो चलिए इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, और अब हम इसमें डाल दे रहे हैं 1/4 चम्मच गरम मसाला, और साथ में मैं डाल दे रही हूँ 1 चम्मच भुना हुआ कसूरी मेथी। अगर आप भुना हुआ कसूरी मेथी नहीं डाल रहे हैं तो आप जब ऑयल में तड़का डालें उस समय ही भुना हुआ कसूरी मेथी डाल दें, तो उससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है सब्जी का। तो मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ पानी, तो मैंने यहाँ पे 1/2 ग्लास के करीब पानी डाला है, मिक्स करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा हमें ये दरदरा टेक्सचर मिला है और थिकनेस मिला है, ये मिला है हमें बेसन की वजह से। इसमें हमने काजू लहसुन प्याज का पेस्ट कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। और अब इसे मिक्स करेंगे, और इस स्टेज पर मैं डाल दे रही हूँ 200 ग्राम पनीर, और थोड़ा सा मैं यहाँ पर डाल रही हूँ शिमला मिर्च, जिसे मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया है, और ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास शिमला मिर्च अवेलेबल है तभी आप डालिएगा, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं, सिर्फ इसे आप पनीर से ही बना सकते हैं। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया है, और यहाँ पे इसे हमें हल्के हाथों मिक्स करना है। और साथ में मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ 2 से 3 चम्मच दूध को मैंने गाढ़ा किया है, और मलाई के साथ मैंने यहाँ पे डाला है। अगर आपके पास मलाई, ताज़ा मलाई या क्रीम अवेलेबल हो तो आप उसे इस स्टेज पर डाल दीजिएगा। तो यहाँ जो मैंने दूध डाला है, इसी से ही सब्जी का हमारा शाही टेस्ट आने वाला है। मिक्स करेंगे और इसे हम कवर करके 2 से 3 मिनट पका लेते हैं, या फिर जो हमने दूध डाला है उससे जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए तब तक हम इसे पका लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑयल कितने अच्छे से सेपरेट हो गया है, सब्जी हमारी काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार हुई है। यहाँ पे मेरा किचन बिल्कुल बहुत ही अच्छे से महक रहा है, और देखिए बिल्कुल इसका टेक्सचर, और सब्जी हमारी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई, इसका थिकनेस भी आप देख सकते हैं ग्रेवी का। तो चलिए अब मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ थोड़ा सा धनिया पत्ता, और अब यहाँ पे मैं गैस को बंद कर रही हूँ, और चलिए फटाफट से हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ प्लेट में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर बाद पनीर हमारी कितनी गाढ़ी हो गई है इसकी ग्रेवी, और ये हुआ है बेसन की वजह से। तो बेसन आप ज़रूर से ही डालिएगा, क्योंकि हमें इसमें काजू का पेस्ट नहीं डालना है, प्याज का भी पेस्ट नहीं डालना है, इसीलिए बेसन ही इसमें रिच और थिकनेस लेकर आएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं सब्जी को निकाल ले रही हूँ। आप इस सब्जी को पूरी, पराठा, नान, चावल किसी के भी साथ एंजॉय करें, ये काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में और बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है।
तो आज की वीडियो पसंद आई फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा मेरी ऐसी वीडियो देखने के लिए। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।